वालेकुम एवरीवन आज मैं शेयर करूंगी चिकन टिक्का क्रेप की रेसिपी जिसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं. सबसे पहले एक पैन लेंगे उसमें दो चम्मच तेल डालेंगे और तेल गर्म हो जाए हल्का उसे ऐसे फैला लेंगे और इसमें मैं ढाई सौ ग्राम बोनलेस चिकन डाल रही हूँ इसे अच्छे से धोकर छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है इसे तेल में डालकर थोड़ा चला लें और इसमें अब डाल रही हूँ मैं एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे डाल करके एक से दो मिनट इसे अच्छे से भून ले यहाँ पे कुछ बेसिक से मसाले लिए हैं हमने क्रश किए हुए धनिया एक छोटा चम्मच चिकन टिक्का मसाला एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर एक तिहाई चम्मच थोड़ा सा हल्दी डर और लाल मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें और इसे तीन से चार मिनट अच्छे से भून लेना है मसाले को थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसे अच्छे से भून लें और जब ये अच्छी तरह से भून जाए तो यहाँ पे मैं दो चम्मच दही डाल रही हूँ मैं और इसे डाल कर के अच्छे से मिला लेना है और इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दे रही हूँ पानी डाल कर के और इसे ढक्कन लगा कर के थोड़ी देर तक इसे पकाना है एटलीस्ट पाँच से छः मिनट तक इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए चिकन का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर लें अब यहाँ पे आधा कैप्सिकम और एक मीडियम साइज का प्याज और मुठ्ठी भर के हरा धनिया इन सबको बारीक काट करके इसमें डाल देंगे और बस इसको ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि जो वेजिटेबल है ना उसका क्रंच फिर खत्म हो जाएगा बस इसे अच्छी तरह से मिला करके और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ यहाँ मैंने एक मिक्सी जार लिया है इसमें डाल दिया है एक कप दूध दूध में बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है और एक कप मैंने मैदा डाला है और यहाँ पे दो अंडे ले लिए हैं मैंने इसमें और यहाँ मैं दो चम्मच दही डाल रही हूँ और इन सब को डाल करके इसमें थोड़ा सा मैं दो चम्मच के तकरीबन तेल डाल दे रही हूँ इसमें और यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाला है मैंने आधा कप पानी और इन सब को डाल करके अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेना है और इसे ब्लेंड करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी इसे एक बड़े बाउल में ढाल लेंगे और ये देखिए एकदम परफेक्ट है तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ अब एक तवा या पैन ले लेंगे और उसमें हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे और ये बैटर जो हमने रेडी किया है उसे इस तरह से डाल करके और ऐसे ही लाएंगे और इसे इस तरह से फैला लेंगे और ये फैल जाए अच्छी तरह से तो थोड़ी देर इसे अच्छे से पकने देंगे उसके बाद फिर ऊपर से ऑयल ग्रीस करके और इसे पलट करके दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसे पका लेंगे और ये देखिए बिल्कुल एक तो हमारा क्रेप रेडी हो गया है और दूसरी भी इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके मैं कोशिश करती हूँ की बिना ताम झाम के घर की चीजों से ही आपकी रेसिपी रेडी हो सके इस तरह से सारे क्रेप को रेडी कर लिया मैंने और यहाँ पे मैंने जो चिकन रेडी किया था वो रख लिया है और उसके ऊपर से मोजरेला चीज दे दिया है मैंने और इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ मैंने मैदा और पानी ला करके इसका एक पेस्ट बना लिया है इस तरह से और दोनों तरफ किनारों में इस तरह लगा करके और इसे फोल्ड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से फोल्ड करके और इसे बस इस तरह से मैंने सारे क्रेप्स को रेडी कर लिया है और ये तवा में हल्का सा तेल ग्रीस करके और इस तरह से इसे अब सेक लेंगे इसे अलट पलट करके दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे ऊपर से हल्का सा ऑयल ग्रीस कर देंगे और दोनों साइड से अच्छी तरह से इसे सेक लेंगे और इसमें कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है आप इसे मेहमानों के लिए या फिर टिफिन के लिए या फिर आप शाम की चाय के साथ इसे बनाकर आप इंजॉय कर सकते हैं ये चिकन टिक्का क्रिप्स बिल्कुल रेडी हो चुकी है इसे मैं कट करके भी दिखाती हूँ ये बहुत ही टेस्टी होता है सबको बहुत पसंद आने वाली है आप इसे ज़रूर ट्राई करें एक बार अपना खूब ख्याल रखें खाएँ खिलाएँ खुश रहें मैं मिलती हूँ ऐसे ही आसान और डिलीशियस रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़